मेरे पास में कई पति पत्नियों के ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें ये पूछना होता है कि सर हमारे बीच में एक डिस्प्यूट हो गया है, तो इस बीच हमें लाने का यानी कि रखने का केस करना चाहिए, फिर साथ रहने का केस करना चाहिए, या फिर कोई डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा स्टेप है जो इस सिचुएशन के अंदर उठाना चाहिए। आप ही एक उपयुक्त जवाब यहाँ पे दे सकते हैं, सही रास्ता आप ही दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कई सारे केस है जो आप जिताए हैं, फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ही एक अच्छा रास्ता हमें सुझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आज आपको ये रास्ता बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में ऐसा डिस्प्यूट हो गया है तो क्या आपको रखने लाने का या फिर साथ रहने का केस करना चाहिए या फिर डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन सा रास्ता है जो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पहले इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडकुट जितेंद्र, और आज के वीडियो में ये जो दुविधा होती है, ये जो एक परिस्थिति होती है इसके अंदर जो पति पत्नी फंस जाते हैं, कोई निर्णय है जो नहीं ले पाते हैं, और अगर वो गलत निर्णय ले लेते हैं तो उनको ज़िंदगी भर है जो पछताना पड़ता है, तो यहाँ पे वो कौन सा निर्णय ले, कौन सा स्टेप उठाए जिससे उनकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर पति और पत्नी के बीच में अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपसी सहमति से जो भी डिस्प्यूट हुआ है, जो कारण है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढने की कोशिश है जो करनी चाहिए, यानी कि उस मामले को ज़्यादा है जो नहीं बढ़ाना चाहिए, अपने लेवल से ही अगर वो मामला शांत हो जाता है तो उससे बढ़िया और रास्ता नहीं हो सकता है, तो ये पहले कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कोशिश नहीं होती है अपने जरिए से, अगर जो भी रास्ते हैं पति ने या फिर पत्नी ने अपना लिए हैं, अगर मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है और आपसी सहमति से अगर रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप लीगल वे भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाने रखने का या फिर साथ रहने का केस भी आप डाल सकते हैं, जैसे सेक्शन 9 का हो गया। तो इस तरीके से ये रास्ते भी हैं जो आप अपना सकते हैं, यानी कि फर्स्टली हमें साथ में जुड़ने के लिए पहल करनी चाहिए, अलग होने के लिए पहल नहीं करनी चाहिए। जो भी मनमुटाव हुआ है, जो भी डिस्प्यूट हुआ है, उसका सोल्यूशन निकालो, उसको भूल जाओ और साथ में रहने की कोशिश करो, और इस तरीके से रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश है जो करनी चाहिए। तो ये मेन फोकस है, इसके ऊपर रहना चाहिए, अपने जरिए से तमाम कोशिश करनी चाहिए। फिर अगर नहीं होता है तो फिर लीगल रेमेडी है, लीगल वे में आप जा सकते हैं, सेक्शन 9 का केस है जो आप फाइल कर सकते हैं, यानी कि मामला अगर नॉर्मल सिचुएशन का है तो बिल्कुल साथ में रहने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये सब संभव नहीं है और मामला अगर सीरियस लेवल का है, यानी कि पत्नी ने अगर बहुत ही गलत है पति और पति के परिवार वालों के साथ में अगर कर दिया है, या फिर यहाँ पे पति ने पत्नी के साथ में बहुत गलत कर दिया है, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर है जो डाइवोर्स के अंदर ही जाना चाहिए। डाइवोर्स का एक रास्ता होता है, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में एक अधिक मनमुटाव हो चुका है, दोनों के बीच में जो मामला है वो पूरी तरह से बिगड़ ही चुका है, अब जुड़ना संभव नहीं है, तो यहाँ पे उस कंडीशन के अंदर ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। पर उस डाइवोर्स के लिए भी एविडेंस यानी कि सबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। डाइवोर्स भी देखो आमतौर पर दो तरीके का होता है, एक तो होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर वो डाइवोर्स ही ले रहे हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स की पहल करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स है जो कम समय में हो जाता है, कम पैसे में हो जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पहल है जो यही करनी चाहिए। अगर यहाँ पे म्यूचुअल संभव ना हो तो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाना चाहिए, जो भी ग्राउंड है वो मजबूत यहाँ पे होने चाहिए, यानी कि जिन ग्राउंड के आधार पर अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो वो यहाँ पे मजबूत होने चाहिए, तभी आपको डाइवोर्स है जो मिल पाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके समझ में आ गया होगा कि अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो उस कंडीशन के अंदर दोनों को रिश्ते को बनाने की तमाम कोशिश है जो करनी चाहिए, साथ में रहने की तमाम कोशिश है जो करनी चाहिए। अगर यहाँ पे सिचुएशन है जो पूरी तरह से बिगड़ ही चुकी है, साथ में रहना किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो फिर डाइवोर्स में जाना चाहिए। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।